लगी? बिना है नेवी और आर्मी वाले दोनों, नेवी और आर्मी वाले दोनों आपस में मिल करके जो मिल जाएंगे तो फिर उनको भी उड़ा कर रख देंगे। नेवी और आर्मी वाले, नेवी वाले जो जल के अंदर रह करके आर्मी का काम कर रहे हैं और आर्मी वाले जो स्थल में रहते हैं जमीन पे ऊपर रह करके युद्ध करते हैं, दोनों अगर मिल जाएं तो गड़बड़ हो जाएंगे। आपस में मिल जाएंगे तो बस हाँ। जो बस गड़बड़ हो जाएगा। हाँ ठीक है, प्रेसिडेंट को भी उड़ाकर रख देंगे। हैं? प्रेसिडेंट को भी उड़ाकर रख देंगे। हाँ जी, ये तो हद की बात हो गई। वेद में आर्मी वाले कौन से हैं जो ज्ञान जल में काम करते हैं? है ज्ञान जल में कौन काम करते हैं, विदेशी या स्वदेशी? है विदेशी। हाँ, जो भारतवासी पक्के हैं वो उन्हें भगवान का ज्ञान बहुत प्रिय है, ज्ञान आता ही है भगवान से। और जो विदेशी हैं उन्होंने इस जमीन को बहुत लंबा चौड़ा कर दिया, पहले सिर्फ भारत ही था, सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत, छोटा सा जम्बूद्वीप, जब से विदेशी आए तब से ये दुनिया में जमीन की बढ़ोतरी हो गई, तो आर्मी भी बहुत बड़ी हो गई। अगर ये दोनों मिलकर के एक हो जाएं तो ये रावण राज्य की गवर्नमेंट ही खलास हो जाएगी, परंतु ऐसा कायदा नहीं है। एक माता जी ने पूछा, बाबा दृष्टि देने के समय बाबा के साथ जो भी वहां बैठते हैं उनका भी वीडियो निकालते हैं, ऐसा क्यों? पता कैसे चलेगा कि कौन याद में बैठा है और कौन सोता है? कौन की बुद्धि इधर उधर जा रही है? बाबा को ही याद कर रहे हैं या एक दूसरे को देख रहे हैं? वो सारा वीडियो में आ जाता है। जापान कौन सा खंड है? है बौद्ध धर्म खंड है। जो बौद्ध धर्म खंड है वो समंदर के बीच में है, जमीन का हिस्सा कम है और समंदर ज्यादा है। वो तो हद की बात है। उसे बौद्ध धर्म खंड कहा जाता है। वो बौद्ध लोग ये मानते हैं
कि हम सूर्यवंशी हैं, क्योंकि जितने भी देश हैं दुनिया में वह सभी देशों के बीच सूर्य की किरणें सबसे पहले कौन से देश में पड़ती हैं? जापान में पड़ती हैं, क्योंकि जापान सभी देशों के मुकाबले पूर्वी धर्मखंड है और सूर्य तो निकलता ही है ईशान कोण से, उत्तर पूर्व से। तो यहाँ है बेहद का ज्ञान सूर्य, बेहद का ज्ञान सूर्य जब निकलता है तो निकलने से पहले अंधेरा भी पहले कहाँ होता होगा है? जहाँ पहले अंधेरा होता है वहीं पहले सूर्य निकलता है। अगर अंधेरा नहीं होगा तो सूर्य भी नहीं निकलेगा। ब्राह्मणों की दुनिया में नया संसार तैयार हो रहा है, उस नए संसार में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी उनका फाउंडेशन लग गया है या लगना बाकी है? है सूर्यवंशियों का और चंद्रवंशियों का फाउंडेशन लग चुका, उसके बाद भारतवासियों में किसका नंबर है? है बौद्ध धर्म खंड का नंबर आता है। तो जिसका नंबर आता है वो पहले अंधेरे में चाहिए फिर उजाला आता है। जरूर कोई ऐसी आत्माएं हैं जो अज्ञान के अंधेरे में आती हैं, फिर उनके लिए उजाला भी आने वाला है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को बड़ा भारी घाटा हो गया, द्वितीय विश्व का सबसे जास्ती असर पड़ा जापान के ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर। उसी जापान ने आज दुनिया में कितनी तरक्की कर ली। एक बार जब ध्वंस होता है तो तरक्की आगे जल्दी करते हैं। तो ये निशानी है कि दुनिया भल डूबने वाली है तो भी अभी जापान फिर तरक्की करेगा तेजी से। तो मुरली में बाबा ने बोला है चार ब्रह्मा हैं और एक है बाप, तो अब्बल लंबर ब्रह्मा कौन है और हमें अव्वल लंबर ब्रह्मा का बच्चा बनना है? अव्वल लंबर ब्रह्मा का बच्चा बनना है या नहीं बनना है? है बनना है। तो कैसे पता चले कि अव्वल लंबर ब्रह्मा कौन है? अम्मा की परिवार में सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? सबसे बड़ा अम्मा का गुण क्या होता है? है? क्या? सहनशीलता। तो जो चार ब्रह्मा हैं, उसकी चार भुजाएं विष्णु रूप में दी गई हैं, जो ब्रह्मा सो विष्णु की चार भुजाएं भी बनते हैं। जब संस्कार मिलकर के चारों के एक हो जाते हैं तो कौन सा ब्रह्मा है जिसने सबसे जास्ती सहनशीलता धारण करके दिखाई है?
कौन? हाँ, दादा लेखराज ब्रह्मा। जितना उन्होंने सहन किया उतना और किसी ने सहन नहीं किया, इसलिए वो अव्वल नंबर ब्रह्मा है। और बाबा, रूप पसंद का मतलब क्या है बाबा? रूप कहते हैं याद। जितनी गहरी याद में रहेंगे उतना चेहरा चमचमाता हुआ रहेगा, अव्यक्त स्टेज बन जाएगी। योग और भोग, योगी का चेहरा चमचमाता हुआ रहेगा और जो भोगी होगा उसका चेहरा भोगियों जैसा दिखाई देगा। ऐसे ही है योग के मुकाबले ज्ञान। जो ज्ञानी होगा, कुक्कड़ ज्ञानी नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञानी। तो बताओ प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञानी कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में 100% प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञानी कौन साबित होता है? ब्राह्मणों में 3 ब्राह्मण ऊंचे हैं, सबसे ऊंचे ब्रह्मा विष्णु और शंकर। तीनों फरिश्ताई ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मणों में प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञानी कौन है? शंकर प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञानी है, है? प्रैक्टिकल स्पष्ट दिखाई पड़ेगा या झुंझार दिखाई पड़ेगा? प्रैक्टिकल को देख करके जल्दी निश्चय बुद्धि बनेंगे या जो प्रैक्टिकल नहीं होगा सिर्फ बोल बोल करने वाला होगा उसको देख करके जल्दी निश्चय बुद्धि बनेंगे? है तो 3 मूर्तियां हैं, 1 मूर्ति है वाचा से सिर्फ बोलने वाली, सुनने और सुनाने वाली ब्रह्मा की मूर्ति। दूसरी मूर्ति है शंकर। तीसरा नेत्र जिसे कहा जाता है समझने और समझाने वाली। परंतु दोनों मूर्तियां प्रैक्टिकल कार्य करके दिखाती हैं। प्रैक्टिकल में स्वर्ग स्थापन होता है या स्वर्ग स्थापन नहीं हो पाता है? स्वर्ग स्थापन नहीं हो पाता, न पहली मूर्ति के द्वारा हो पाता, 68 में शरीर भी छोड़ दिया, न दूसरी मूर्ति के द्वारा हो पाता। हाँ, दूसरी मूर्ति का सहयोगी बन करके तीसरी मूर्ति जब खड़ी हो जाती है मैदान में तो तीसरी मूर्ति को कहा जाता है प्रैक्टिकल मूर्ति। विष्णु का पार्ट कैसा है? बोल बोल करने वाला है, समझने वाला है, या बोल बोल करने और समझने के साथ साथ प्रैक्टिकल जीवन में करने वाला भी है? करने वाला भी है। तो वो प्रैक्टिकल रूप हुआ। जो प्रैक्टिकल रूप है उसको सारी दुनिया को मानना पड़ता है।
किसका प्रश्न था? है? अरे ये प्रश्न किसने किया था? है? भूल गए? ऊपर वाले ने? आपने किया था? हाँ, क्या प्रश्न किया था? भूल गए? हैं? हैं? रूप और बसंत, तो रूप का तो बताया, जो याद में ज्यादा गहरे रहते हैं तो रूप उनका खिल जाता है, और जो ज्ञान में प्रैक्टिकल जीवन में आगे रहते हैं तो उनमें से खुशबुएं निकलती है, उनको कहते हैं बसंत। कौन सी ऋतु होती है जहाँ फूल ज्यादा खिलते हैं? हैं? बसंत ऋतु में, तो उनको कहा जाता है बसंत। ये रूप और बसंत की जोड़ी है, उस जोड़ी का नाम ही लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। लक्ष्मी है रूप नहीं, बसंत, और नारायण है रूप। और शंकर ये ने शंकर प्रैक्टिकल में विष्णु का पाठ बजाता है, बाद में शंकर भी प्रैक्टिकल है, लेकिन वो फाउंडेशन डालने वाला है। प्रैक्टिकल नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाला है, वो भी स्वयं फाउंडेशन नहीं डालता। अगर स्वयं फाउंडेशन डाले तो निवृत्ति मार्ग हो जाए। वो फाउंडेशन डालने के लिए भी अष्ट देवों में से जो दूसरा देवता है काशी नगरी, वो सहयोगी बनती है, तब फाउंडेशन पड़ता है। और फाउंडेशन जमीन के अंदर डाला जाता है या बाहर डाला जाता है? अंदर डाला जाता है, वो किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए वो प्रैक्टिकल जीवन भी दिखाई नहीं पड़ता। बाबा कहते भी हैं शंकर का पाठ ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आंखों से तो दिखाई नहीं पड़ता कुछ भी। ये तो बुद्धियों से गहराई में समझने की बात है, और उस समझने में जो पास होने वाले हैं पास विदानर, वो सिर्फ आठ निकलते हैं। इसलिए विष्णु का तो प्रत्यक्ष है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, जो प्रत्यक्ष नहीं होता है, अप्रत्यक्ष होता है, गुप्त होता है, उसके लिए फिर ढेर सारे प्रमाण देने पड़ते हैं। जैसे हम किसी को समझाते हैं बाप आया हुआ है, तो ये समझाने के लिए कितना समझाना पड़ता है, 7 दिन भट्टी में बैठाना पड़ता है, 7 दिन बैठ करके उनको समझाना पड़ता है, तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। आज निश्चय बुद्धि बनते हैं, कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। लेकिन जब तीसरी मूर्ति निकलेगी तो जो देखेगा, जो सुनेगा, जो समझेगा, उसको फटाक से बुद्धियों का साक्षात्कार हो जाएगा। योग भ्रष्ट होते हैं, भ्रष्ट माने नीचे गिरना।
जो योग भ्रष्ट होते हैं उन भ्रष्ट होने वालों का नाम क्या पड़ता है? भोगी। भोगी उसकी शक्ति नीचे क्षीण होती है या मस्तक की ओर शक्ति चढ़ती है? नीचे गिरती है, वही फाल है। बाबा ने बोला है जब तुम बच्चे योग में योग बल में पारंगत हो जावेंगे तो तुम्हारा डिस्चार्ज होना भी बंद हो जाएगा। जो शक्ति क्षीण हो रही है, रजवीरी की शक्ति जो क्षीण हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, नालियों में चली जाती है, वो शक्ति सहस्त्रसार में जाएगी, मस्तक की ओर चढ़ेगी। तब तुम मस्तक समान देवता बन जावेंगे। जब मस्तक समान देवता बनेंगे, देवता बनना शुरू होंगे, तो समझो हमने त्रेता युग की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया। अभी फाला पंपिया हो रहा है या उत्थान हो रहा है? क्या हो रहा है? फाला पंपिया, क्योंकि दुनिया में पंप एंड शो का असर ज्यादा होता जा रहा है। इतना ज्ञान और विज्ञान, इतना ज्ञान बाबा सुनाते हैं तो भी जैसे गर्म तवे के ऊपर बूंद पड़ता है और तुरंत जल जाता है, उड़ जाता है, ऐसे सारा ज्ञान उड़ता रहता है। क्योंकि प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष जीवन अभी दिखाई नहीं पड़ता है। रियल दिखाई पड़ता है या नारियल दिखाई पड़ता है? क्या दिखाई पड़ता है? नारियल दिखाई पड़ता है। नारियल ऊपर से देखेंगे तो खोपड़ा ही खोपड़ा देखने में आएगा। खोपड़ा तो बहुत सख्त होता है, जैसे तीन मूर्तियों में ब्रह्मा की मूर्ति शक्ति से बैठी हुई है या लीनेंसी में बैठी हुई है? है? लीनेंसी में आराम से बैठी हुई है। ब्रह्मा का जीवन सबको पसंद आ जाता है। पच्छड़ माल भी क्यों न पहुंचा हो उनके सामने, वो भी पोलाइट हो जाता था। हत्यारा भी हत्या करने के लिए सामने क्यों ना आ जाए, वो भी बाबा की दृष्टि लगते ही एकदम पोलाइट हो जाता था। ये अंतर पड़ जाता है। शंकर का कार्यकाल है? शंकर का कार्यकाल वर्षा देने का समय, शंकर का वर्षा देने का समय, शंकर थोड़े ही वर्षा देता है। शंकर वर्षा लेने वाला है या देने वाला है? शंकर और ब्रह्मा देने वाले हैं या लेने वाले हैं? और विष्णु भी, इनकी आत्माएं वर्षा देने वाली हैं या लेने वाली हैं? ब्रह्मा की आत्मा, विष्णु की आत्मा, शंकर की आत्मा, ये बच्चे हैं या बाप हैं? बच्चे हैं। बल मनुष्य सृष्टि का बाप है शंकर। प्रजापिता कहो, शंकर कहो, बात एक ही है।
परंतु मनुष्य सृष्टि को मनुष्यों का वर्षा देने वाला शंकर नहीं है, नरको नारायण बनाने वाला शंकर नहीं है, कौन है? शिव बाबा है, शिव बिंदी का नाम है। हाँ, वो बिंदी बिंदी बन करके वर्षा नहीं दे पाती। बिंदी जब साकार में आती है तब वर्षा देती है। तो वर्षा देने वाला शरीर है, रथ है, या रथ के अंदर बैठी हुई आत्मा है जो कंट्रोलर है, जो आत्मा कंट्रोलर है वो वर्षा देने वाली है। और आप अपनी भाषा में बोल दीजिए, फिर अनुवाद हो जाएगा। आप बात क्लियर नहीं हो रही। राजधानी स्थापन होने में कितना टाइम लगता है? राजधानी सतो प्रधान स्थापन होगी या तमो प्रधान दुनिया की राजधानी स्थापन होगी? सतो प्रधान 100% सतो प्रधान राजधानी स्थापन होनी है। तो इस राजधानी में जाने वाली आत्माएं सतो प्रधान चाहिए या तमो प्रधान चाहिए? सतो प्रधान। तो मुरली में तो बता दिया है, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? 40 से 50 वर्ष लगता है। तो बताओ 40 वर्ष कब से शुरू होते हैं और कब अंत होता है? है? अरे सतो प्रधान बनाने वाला कौन है? सतो प्रधान बनाने वाला कौन है? बाप। और बाप कब से प्रत्यक्ष होता है? 76 से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। बीके वालों ने भी बनाया और एडवांस वाली जो आत्माएं उन्होंने भी मनाया, जिन्होंने बाप का प्रत्यक्षता वर्ष 76 मनाया। तो वहां से अगर शुरुआत करते हैं 40 साल की, तो कौन सा वर्ष आता है? 2017। 76 है प्रत्यक्षता वर्ष और 77 है संपूर्णता वर्ष। तो 77 के बाद 40 वर्ष अगर जोड़ दिए जाए तो 2017 होते होते 40 वर्ष पूरे हो जाते हैं। तो तुम बच्चे सतो प्रधान बनेंगे या नहीं बनेंगे? सब बनेंगे या नंबरवार बनेंगे? नंबरवार में भी कोई परिवार की इकाई होगी या ढेर सारे परिवार बनेंगे? जरूर कोई परिवार की इकाई होगी। जहां से आदि होती है वहीं से अंत होता है। आदि भी 8 से होती है तो अंत भी 8 से होता है। इसलिए कहते हैं प्रायः लोग, प्रश्न का जवाब हुआ? कि राजधानी कब स्थापन होगी? है पूरा अधूरा की बात नहीं कही, राजधानी स्थापन होने की बात कही। पूरा तो तब कहें
जब 9 लाख प्रजा तैयार हो जाए सात्विक स्टेज में, तो 2016-17 में क्या 9 लाख प्रजा तैयार हो जाएगी सात्विक स्टेज में? पहले राजाएं तैयार होंगे या पहले प्रजा तैयार होगी? राजाएं तैयार होंगे। राजाओं में भी महाराजा का टाइटल लेने वाले पहले तैयार होंगे या राजाएं तैयार होंगे? महाराजाओं का टाइटल लेने वाले तैयार होंगे। टाइटल ही नहीं, प्रैक्टिकल लेने वाले। और बाबा जो विनाश होने वाला है स्वदेश से शुरू होगा या विदेश से शुरू होगा? विनाश दो प्रकार का है, एक है भारत का भयंकर विनाश और एक है विदेश का एटम बमों का विनाश। जो भारत में विनाश होता है वो भयंकर है, उसका नाम ही दिया है महावारी महाभारत गृह युद्ध। खून की नदियां बहेंगी, मौत का बाजार खुलेगा। नौरव रौरव नरक ही नरक दिखाई देगा, हाहाकार होगा। विदेशों में तो जो चतुर्थ विश्व युद्ध होगा, एटमिक बम फटेंगे, वो तो 5-7 रोज का विनाश है। ज्यादा हाय हाय नहीं करनी पड़ेगी। एटमिक विस्फोट होंगे, तो पृथ्वी का संतुलन डावांडोल हो जाएगा। पृथ्वी का संतुलन बिगड़ेगा तो बड़े बड़े भूकंप आवेंगे दुनिया में। और जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं दिखाई पड़ रही हैं आज की साइंस की दुनिया में, वो सब क्या हो जाएंगी? धराशायी हो जाएंगी। जो भी 500-700 करोड़ की दुनिया है वो सब सब दब के मर जाएगी। है भारत के विदेश में बेहद का विनाश होगा या हद का विनाश होगा? हाँ? ये बेहद के विनाश की बात है। अभी भी एडवांस की ब्राह्मणों की दुनिया में जो सरेंडर हैंड्स ज्यादा टूट रहे हैं, कौन से प्रदेश से टूट रहे हैं? है आंध्र प्रदेश से टूट रहे हैं। आंध्रा से ही स्थापना शुरू हुई थी एडवांस की। और विनाश तो जापान से शुरू हुई ना बाबा भी? वो तो बाहर की दुनिया की बात हो गई, ये बेहद की बात बताई जा रही है। जापान में भी बौद्धियों को बुद्धू कहेंगे या होशियार कहेंगे? क्या कहेंगे? भगवान बाप आकर के राजा ही देते हैं। कौन से धर्म वालों ने पहले पहले राजा ही गंवाई है? बौद्धियों ने पहले राजा ही गंवाई है। तो बुद्धू है या होशियार है? होशियार है, जो पहले राजा ही गंवा दी। माने गधाई अच्छी लगती है, राजाई अच्छी नहीं लगती, या गवाने का अर्थ नहीं मालूम है? गवाना माने खो देना,
बौद्धियों ने राजा ही गवाही है। आज दुनिया में कहीं बौद्धियों का राज्य चल रहा है? कहीं नहीं चल रहा है। सारे बौद्ध ही नास्तिक बन गए। नास्तिकों का राज्य हो गया। तो ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी की दुनिया में भी ये विनाश शुरू हुआ। क्रिटिकल कंडीशन में कि खेल खलास हो गया है? है? जैसे कुमार का दादी को छुपा करके रखा ऐसे लग रहा बाबा। तो दो बाबाएं हैं, एक फुटपर्ती बाबा और दूसरे शेरडी वाले बाबा। पहले शरीर कौन छोड़ते हैं? हैं? शेरडी वाले बाबा पहले शरीर छोड़ते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी दो बाबाएं हैं। कौन कौन से हैं? ब्रह्मा बाबा और हैं? प्रजापिता है, बाबा थोड़े ही हैं? दिल्ली के ऊपर सभी धर्म वाले ने राज किए थे। सभी धर्म वालों ने दिल्ली के ऊपर राज किया है, लेकिन बौद्ध धर्म वाले कौन से राजा है जिसके ऊपर राज किया गया? अशोक महान का नाम सुना है? है? अशोक, अशोक बौद्ध राजा हुआ या नहीं हुआ? पहले हिंदू थे ना? पहले क्या था इससे कोई, वो तो सारी दुनिया पहले हिंदू थी। सारी दुनिया पहले कहाँ कौन थी? बाद में कन्वर्ट हुए हैं। तो आप तो सब धर्मों की बात कर रहे हैं ना? सब धर्म वाले बाद में कन्वर्ट हुए हैं या पहले ही कन्वर्ट हो गए? जन्म लेकर किसी ने राज किया है बौद्ध धर्म में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अशोक का नाम सुना? अशोक का शासन भारत के बड़े हिस्से में था या छोटे हिस्से में था? भारत के बड़े हिस्से में अशोक का शासन हुआ। तो अशोक तो बहुत प्रसिद्ध है बौद्ध धर्म में। और अमल कर सकता है? अमल कमल का फूल कमाल कर सकता है? कमाल कर सकता है। हाँ जी, कमाल क्या है? जो कमल का फूल है वो विष्णु के कौन से हाथ में दिखाया गया है? चार भुजाओं में चार आयुध दिखाई है ना? तो कमल का आयुध कौन से हाथ में दिखाया है? हाँ, बाएं हाथ में जो नीचे का बाया हाथ है उसमें कमल का फूल दिखाया है। वो कमल फूल समान जीवन किसका है? कौन सी भुजा है जो कमल फूल समान जीवन दिखाया गया है? है? शंकर, शंकर थोड़े ही है। जगदम्बा। हाँ, जगदम्बा जो है वो घर गृहस्थ की कीचड़ में रहने वाली है। भले स्वदेशियों के घर गृहस्थ में हो या विदेशियों के घर गृहस्थ में हो, लेकिन कीचड़ में रहती है,
और कीचड़ में रहते हुए भी बुद्धियों कहाँ लगा रहता है, है? जगत पिता में लगा रहता है। तो कौन सा जीवन हुआ, कौन सा फूल कहेंगे? कमल का फूल कहेंगे। वो कमाल करके दिखाती है। असुर संहारिणी का गायन किसका है? जगदम्बा का है। और ये असुरों का संहार आज तक दुनिया में कोई नहीं कर सका। असुरों की संख्या संसार में बढ़ रही है या घट रही है? हैं? बढ़ रही है। तो ये कमाल कौन करता है? हैं? नाम गाया जाता है शंकर का, शंकर द्वारा विनाश, लेकिन शंकर करता है क्या? हैं? शंकर तो नहीं करता। प्रैक्टिकल में करने वाला कौन? शक्तियां ही असुर संहारिणी गाई हुई है। ये महाकाली है जो पूजी जाती है। ढेर की ढेर भुजाएं हैं जो असुरों का संहार करती हैं। और स्वदेशी विदेशी डबल विदेशी है। ब्राह्मणों की दुनिया में स्वदेशी कौन है? स्वदेशी बार बार डाइवोर्स देते हैं, बार बार शादियां करते हैं या एक ही बार करते हैं? तो बताओ ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सी ऐसी मूर्ति है जो एक ही बार शादी करती है और एक से ही करती है? तो स्वदेशी है कि विदेशी है? हैं? स्वदेशी। उसके मुकाबले दूसरी मूर्ति ब्रह्मा की सिर्फ स्वदेशियों के साथ है या विदेशी भी उसकी गोद में खेलते हैं? हैं? विदेशी भी उसकी गोद में खेलते हैं। तो विदेशी भी है, सिंगल विदेशी है या विदेशों में भी जाती है? हाँ? अरे अपने देश में ही रह करके सेवा करती है वो मूर्ति या विदेशों में जाकर के भी सेवा करती है? हाँ? विदेश में जाकर सेवा करती है ब्रह्मा की मूर्ति? हाँ? भारत में ही सेवा करती है। तो सिंगल स्वदेशी है, वाह विदेशी है। स्वदेशी भी है फिर विदेशी भी है, लेकिन सिंगल है। और बाप क्या बनकर के आया हुआ है? बाप डबल विदेशी बनकर आया हुआ है। डबल विदेशी उनको कहा जाता है जो लौकिक परिवार से भी धक्का खा जाते हैं, बाहर की दुनिया में ढकेल दिए जाते हैं, और ब्राह्मणों के अलौकिक परिवार से भी धक्का खा करके उनको बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर के वासी बन जाते हैं, विदेशी बन जाते हैं। तो डबल विदेशी हुए या सिंगल विदेशी? डबल विदेशी। और विनाश हो जाएगा। हाँ योगदान प्रकृति है ना, जगदम्बा जो है वो पृथ्वी का रूप है। तो जो पृथ्वी का रूप है वो प्रकृति का रूप है। जगदम्बा जो है वो सिंहवाहिनी देवी के रूप में दिखाई जाती है। जो नए नए आते हैं, हाँ, वो दोनों को देखेंगे या जो जिन्होंने गांधी जी को नहीं देखा है वो गांधी जी को याद नहीं करते क्या? फिर अरे इन आँखों से देखने से ही याद आती है क्या? इन आँखों से देखा हो या न देखा हो,
सारी दुनिया भगवान को याद करेगी या नहीं करेगी? तो सारी दुनिया भगवान को देखेगी क्या? नहीं देखेगी। कैसे याद करेगी? अरे अखबारों में चित्र निकलेगा, टीवी में चित्र निकलेगा, रेडियो में आवाज सुनाई पड़ेगी, चारों तरफ दुनिया में हर हर बम बम बीत जाएगी। कौन याद आवेगा? कण कण में सतो प्रधानता समा जाएगी तो किसकी याद आएगी? कण कण को, कण कण किससे प्रभावित होगा? एक ही एवर प्योर से प्रभावित होगा। इसलिए लोगों ने दुनिया में कहना शुरू कर दिया भगवान सर्वव्यापी है। दूध में है, टीवी है, दही है, सब कुछ है, लेकिन सारी चीज दिखाई देता है। इसी तरह वो भगवान को आगे और ने पूछा है कि ब्रह्मा को 100 साल पूरे होने के बाद अमर लोक में जन्म होता है। ब्रह्मा मृतलोक में खलास हो जाता है। तो मृतलोक जब ब्रह्मा का खलास हुआ 100 साल के बाद, तो कहां जन्म होता है? अमर लोक में जन्म होता है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब तो समझ गए ना, कोई भी ब्रह्मा हो उसके 100 साल पूरे होते हैं तो कहां जन्म लेता है? वो अमर लोक में जन्म लेता है। मान लो दादा लेखराज की बात है, तो दादा लेखराज का जन्म कब हुआ ब्रह्मा के रूप में? है कब जन्म हुआ? है 47 में। जब से मुरली चलाई गई तब से कहेंगे कि दादा लेखराज ब्रह्मा में शिव ने प्रवेश किया। तो 47 से लेकर के 40 वर्ष ऐड कर दिए जाए, कौन सा वर्ष आया? 48। तो 48 से ब्रह्मा वाली आत्मा संसार सागर में पड़े हुए पीपल के वृक्ष के ऊपर गर्भ महल में जन्म लेती है, जो शास्त्रों में दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है शास्त्रों में? पीपल के पत्ते पर विषय सागर में कृष्ण बच्चा गर्भ महल में बड़े आराम से लेटा हुआ है। ये कहां की यादगार है? कौन से सन की यादगार है? 87 की यादगार है। लेकिन यहां प्रश्न ये है कि 87 में अगर ब्रह्मा का अमर लोक शुरू हुआ तो फिर वो माउंट आबू क्यों जा रहे हैं? प्रश्न सही है या गलत है? है? अरे एक दो आदमी बोल रहा है क्या? प्रश्न सही है, मजेदार है या गलत है? हैं? गलत है। क्यों गलत क्यों है? हैं? प्रश्न मजेदार है ना, सही बात है। लेकिन लौकिक दुनिया में देखा जाए, आदमी शरीर छोड़ता है और गर्भ में झट प्रवेश कर जाता है, वो भी पीपल के पत्ते पर गर्भ महल दिखाया गया है। तो क्या गर्भ महल में जब आत्मा जाती है तो अपने पूर्व जन्म की स्मृति में नहीं जाती है? हैं? तो ब्रह्मा की सोल अपने पूर्व जन्म की स्मृति में 88 के बाद नहीं जा सकती? जा सकती है कि नहीं? जाती है और गुलजार दादी में प्रवेश कर जाती है। कोई कहे गुलजार दादी में ही क्यों खास प्रवेश करती है? इसलिए प्रवेश करती है, अंत मते सो गते।
ब्रह्मा बाबा जीवन भर उस बच्ची को अपने पास बुलाते रहे और वो बच्ची ब्रह्मा बाबा से दूर भागती रहे। तो अंत मते सुगते, ब्रह्मा बाबा ने उसी का शरीर धारण कर लिया। इसका अर्थ ये है कि बाबा ने बताया कि तीन मूर्तियों को प्रत्यक्ष होने में 76 से लेकर के 2004 तक का टाइम लग गया। पहली मूर्ति ब्रह्मा, दूसरी मूर्ति शंकर, तीसरी मूर्ति वैष्णवी देवी। तीन मूर्तियों को प्रत्यक्ष होने में कितना लंबा टाइम लगा, तब प्रत्यक्ष हुई। जिनको प्रत्यक्ष हुई उन्होंने जान लिया कि झंडे में जो तीन कपड़े दिखाए जाते हैं, विश्व विजय करने वाला झंडा, वो तीन कपड़े कौन से हैं। कपड़ा माने शरीर। तो जिनको तीन कपड़ों के बारे में जानकारी हो गई तो वो कौन से तीन कपड़े हैं ब्राह्मणों की दुनिया में जो अभी जीवित हैं, जो विश्व विजय करके दिखलाने वाले हैं, वो हाथ उठाओ। हाथ उठाओ नहीं तो नाम पूछा जाएगा। कोई नहीं, एक हाथ उठाओ, फिर नीचे चला गया। अच्छा, देखने में मालूम पड़ता है, ठीक है, तीन हो गया। तो जो तीन मूर्तियां हैं वो विश्व विजय करने वाली है आपको पता लग गया, निश्चयात्मक बुद्धि से पता लग गया, या माया अनिश्चय में भी डाल सकती है, ये तो बाद में पता चले जब फाइनल पेपर हो। लेकिन ये तो पक्का है कि इन तीन मूर्तियों को प्रत्यक्ष होने में कई साल लग गए, बीसियों साल से ज्यादा लग गया या कम साल लगा है, बीसियों साल लग गया। लेकिन अव्यक्त वाणी में बोला कि अष्टदेव जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष होंगे, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा। तो अष्टदेवों में से दो के बारे में तो इशारा अव्यक्त वाणी में ही दे दिया। पहली सूर्यवंशी मूर्ति, वो तो सूर्यवंशी की मुखिया हो ही गई, और रुद्रमाला में दूसरी मूर्ति काशी नगरी, ये जिसे अनुसुईया के रूप में बोला गया, परदादी मां बताया, योगिनी मां बताया, वो हो गई। बाकी कोई और भी प्रत्यक्ष हुई क्या? अरे सूर्यवंश और चंद्रवंश के द्वारा बाद फिर और किसका नंबर आता है, है? इस्लाम धर्म की कोई मुखिया मूर्ति होगी, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म की कोई मुखिया मूर्ति होगी। वो भी प्रत्यक्ष हुए या नहीं हुए? बाप दादा के सामने तो पूरी बाला प्रत्यक्ष, उनको तो बात छोड़ दो। ब्राह्मणों की दुनिया में चार सूर्यवंश से और चार चंद्रवंश से, अगर सूर्यवंशी चार प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो उसके आधार पर चंद्रवंश से माने विजयमाला से चार प्रत्यक्ष होना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी।
करने का इशारा तो किया लेकिन पूरा क्लियर नहीं किया था बाबा। क्या नहीं क्लियर किया? अष्टदेव में, अष्टदेव में चार ही तो मुख्य है, रुद्रमाला से चार। क्या कहता पाठ तो शुरू किया लेकिन चित्रा मूर्ति का पाठ तो शुरुआत किया था लेकिन उनका क्लियर नहीं किया ना। पाठ शुरू किया राम धर्म का मुखिया तो बता दिया था ना, धर्मराज का पाठ वाला कौन है? पाठ पूरा क्लियर नहीं किया था। अरे तो बता कहाँ से दिया? इशारा तो शुरू किया था लेकिन पूरा क्लियर नहीं किया था। क्या शुरू किया था इशारा? धर्मराज का पाठ बजाने वाला। धर्मराज का पाठ धर्म पे चलेगा कि अधर्म पे चलेगा? है धर्म पे चलेगा तो धर्मराज का पाठ तो ब्रह्मा बाबा का है। बाप का पाठ पूरा हो के बाप का पाठ पूरा हुआ अभी धर्मराज का पोस्ट में आ गया क्या बाबा? धर्मराज की पोस्ट में आना चाहिए ना। धर्मराज धर्मराज जो है यमराज अष्टदेवों में से नहीं है क्या? अरे कुबेर अष्टदेवों में से है, ईशान कोण में ईश्वर अष्टदेवों में से है, तो धर्मराज के अष्टदेवों में से नहीं है, है? और जो धर्मराज है वो धर्म के ऊपर आरूढ़ होगा पक्का, या धर्म की बात को छोड़ करके इधर उधर तिरकेगा? है नहीं तिरकेगा, कठोर होगा नियम पालन करने में कराने में, या कोमल होगा कठोर होगा? तो एडवांस पार्टी में भी देखना पड़े कि बाप के पास सहयोगी बनने वाले जो मणके हैं उनमें कौन सा पार्ट है जो बहुत कठोर है। जो नजदीकी होंगे उनको पता चलेगा या सबको पता चलेगा? और बाबा अप्रैल 13 तारीख में बाबा आया। अप्रैल 13 तारीख में हाँ, जबकि 31 तारीख को बोला था कि ये अंतिम मिलन है इस सीजन का। उसी दिन सभी स्टूडेंट्स को भी वेबसाइट में देख सकते हैं। हाँ? सभी को बताया। हाँ? एक एक स्टूडेंट भी घर में बैठ करके इंटरनेट में देख सकते हैं। हाँ? वेबसाइट का वो भी को बताया इसका अर्थ क्या है बाबा। और उसी दिन मैं नहीं गई, अभी मैं नहीं जाती हूँ ना, लेकिन दूसरा दिन मेरा को एक माता ने मेरे से पूछी। उसी दिन रात को बाबा जाने के समय बहुत लोग रो रो के बाबा आप नहीं जाना है, आप नहीं जाना है, हम लोगों के छोड़ के नहीं जाना है, ऐसा रो रो के बहुत लोग ऐसा रोया था। इसका अर्थ बाप दादा ने तो कहा अगला सीजन फिर शुरू होगा, तो बाप दादा ने जब बोल दिया कि अगला सीजन शुरू होगा तब आवेंगे, तब फिर ये रोने की क्या बात रह गई? फिर सभी स्टूडेंट्स को क्यों बताया आप लोग घर में बैठ करके, क्योंकि पहले गीता पाठ करने वालों को भी नहीं दिया है, सेंटर वाले ही देखना है। अच्छा अभी गीता पाठ करने वाले एक एक स्टूडेंट भी देख सकते हैं घर में बैठ करके, ऐसा अनाउंस कर दिया 13 तारीख बहुत लोग ऐसा घर में बैठ करके भी देख लिया। इसका अर्थ क्या है बाबा? कोई विस्फोट हुआ होगा अंदर, कोई बातों का विस्फोट हुआ होगा, जिन विस्फोटों का उन्हें जवाब नहीं मिला। जब कोई रास्ता नहीं मिल जाता है तब बाप दादा को पुकारते हैं। तो बेमौसम बाप को बुलाया बाबा को, और बाबा आकर के क्या बतावेंगे? ज्ञान के राज बाबा समझावेंगे या एडवांस वाले समझावेंगे? एडवांस में समझने को मिलेगा। बंबई वालों ने घोषणा की है, बड़े बड़े पोस्टर छपाए हैं, ब्रह्मा कुमारी यहां बताए नहीं तो हम बतावेंगे। क्या क्या है? ब्रह्मा कुमारी यहां बतावे नहीं तो हम बतावेंगे। तो ये हेडिंग चैलेंज करता है या नहीं करता है? हम बतावेंगे, हम के ऊपर निशान लगा दिया।
और वो निशान नीचे लिख दिया एडवांस पार्टी। तो ये एडवांस पार्टी इस दुनिया में है जो चैलेंज दे रही है या ऊपर है? इस दुनिया में है वो, तो यही चिल्लाते रहते हैं। एडवांस पार्टी कहाँ है? सूक्ष्म वतन में ऊपर है। अब सवाल पूछा जा रहा है एडवांस पार्टी के द्वारा, तो एडवांस पार्टी नीचे साबित हो रही है या ऊपर साबित हो रही है? ऊपर। वो 8 सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। जैसे भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है बताओ? तो ब्रह्मा कुमारियां जवाब देंगी इस बात का? शिव शंकर एक नहीं है, दो हैं, तो दोनों को मिलाकर एक क्यों कर दिया गया? जवाब दें। संसार में दोनों को मिला के एक कर दिया गया या अलग अलग हैं? एक कर दिया गया। तो कोई कारण होगा कि नहीं होगा? है, जरूर कारण होगा। ऐसे ही 8 सवाल हैं। जैसे गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है, गीता का साकार भगवान कृष्ण नहीं है, तो साकार भगवान कृष्ण कैसे? वो कृष्ण नहीं है तो शिव कैसे है साकार भगवान? गीता का भगवान होगा तो गीता ज्ञान सुनाएगा या नहीं सुनाएगा? है, सुनाएगा कि बिना सुनाए चला जाएगा गीता ज्ञान? अरे गीता ज्ञानामृत डाला, मुख में डाला जाएगा ना, तो सुनाने वाला कोई मुख से ही सुनाएगा या परमधाम से आवाज आएगी? मुख से ही सुनाया जाएगा। तो ये प्रश्न है, गीता का भगवान अगर कृष्ण नहीं है साकार में, तो शिव साकार में गीता का भगवान कैसे है? वो कैसे ज्ञान सुनाता है? अगर जवाब देते हैं तो सनातन धर्म के देवी देवता धर्म वाले हैं, अगर जवाब नहीं देते हैं तो जैसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया, तो अल्लाह मियां क्या ऊपर से फरमाता है? है? अरे नीचे साकार तन में आकर फरमाता है या ऊपर से आवाज आती है? नीचे आकर के फरमाता है। अगर ये बात नहीं बता पाते हैं तो जरूर मुसलमान धर्म के हैं, या तो बताओ नहीं तो मुसलमान धर्म के साबित हो जाते हो। तो एक नहीं 8 प्रश्न हैं। संस्कृत की गीता दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है। सारी दुनिया इस बात को मानती है कि गीता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जिसमें ज्ञान की बातें भरी हुई हैं, और उस गीता की सैकड़ों टीकाएं तैयार की हैं लोगों ने। जितने दुनिया में मठ पंथ हैं उन सभी मठ पंथ वालों ने, चाहे छोटे मठ पंथ वाले हों चाहे बड़े मठ पंथ वाले हों, कोई भी धर्म वाले हों, सभी धर्म वालों ने गीता की टीकाएं की हैं, व्याख्याएं की हैं, और अपने यज्ञ में भी पहले क्या पढ़ करके सुनाई जाती थी? है, यही संस्कृत की गीता पढ़ करके सुनाई जाती थी, उसके अर्थ बाबा बैठ करते थे पीयू के द्वारा,
तो जो आदि में गीता सुनाई जाती थी वही गीता अंत में नहीं चलाई जाएगी, आदि में सो अंत में। तो ब्रह्मा कुमारियां जवाब दें कि वो गीता की व्याख्या ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के अनुसार क्यों नहीं की जा सकती? अगर ज्ञान में सच्चाई है तो संस्कृत गीता की व्याख्या सब धर्मों में हो सकती है, सब मठ पंथ वाले कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। विनाश कहाँ से शुरू होता है? कोई स्थान है विनाशकारी? है, दिल्ली है स्थापनाकारी, बंबई है विनाशकारी। तो ज्ञान के आधार पर पहले विनाश होगा, बम फटेंगे या स्थूल बम पहले फटेंगे? ज्ञान के आधार पर ये बम फटे हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में भक्ति मार्ग ज्यादा चल रहा है या एडवांस में ज्यादा चल रहा है या दुनिया में ज्यादा चल रहा है? भक्ति मार्ग ज्यादा कहाँ चल रहा है? भक्ति मार्ग आता है रावण से और ज्ञान आता है भगवान से। भगवान कहा जाता है शिव शंकर भोलेनाथ को। कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता, राम त्रेता का नाम है, उसको भी भगवान नहीं कहा जाता। सृष्टि के आदि पुरुष का नाम है भगवान। उस भगवान के नाम के साथ जोड़ा जाता है हर हर बम बम। तो कौन सा शहर है जो बम के नाम से जुड़ा हुआ है? बॉम्बे। तो बिना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? है नहीं हुआ? हो गया। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश होगा या बाहर की दुनिया में विनाश होगा? पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश होना चाहिए। बरसात होने वाली है, घर चले जाओ जल्दी जल्दी। क्या जो जिस कुल के होंगे उस कुल में जन्म लेने वाले पहले उसको पहचानेंगे या उस कुल के नहीं होंगे वो पहले पहचानेंगे? तो एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो नजदीकी होंगे वो पहचान रहे हैं। जो डबल विदेशी है ना, वो डबल विदेशी कॉन्फ्रेंस करके कानाफूसी करके पता लगा लेंगे कि ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसी कौन सी मूर्ति है जो धर्मराज का पार्ट बजाने वाली है। इतना तो बता दिया कि धर्म की धारणा सबसे जास्ती कौन सी मूर्ति में है? है ब्रह्मा बाबा में। लेकिन ब्रह्मा बाबा प्रवेश करके पाठ तो बजाते हैं चंद्रमा के रूप में,
वो प्यार का पार्ट होगा, प्यार का सागर होगा या मार का सागर होगा? वो तो प्यार का पार्ट हो गया, बाकी रही जगदम्बा। जगदम्बा का तामसी रूप महाकाली दिखाया जाता है, महाकाली के मस्तक पर भी चंद्रमा दिखाते हैं, लेकिन वो तो अष्टदेवों में है ही नहीं। अष्टदेवों में है नहीं, तो फिर कौन सी मूर्ति है? बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं और बाप दादा के द्वारा ही पाठ प्रत्यक्ष होते हैं। तो बड़ी मम्मी जो जगदम्बा का पार्ट है, उसके बाद ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा ऐसा पार्ट है जो नियम कानून में बहुत सख्त है? बाप का पार्ट तो उतना सख्त नहीं हो सकता। ब्रह्मा का प्रैक्टिकल रूप अम्मा जगदम्बा, वो भी इतनी सख्त नहीं हो सकती। है कौन जोगिनी बहन? जोगिनी बहन कैसे हो जाएगी? प्योरिटी में, प्योरिटी में सख्ती होती है या प्यार भरा रहता है? शांति।